हेलो एवरीवन, आज हम आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 के चैप्टर 4 की ओर। मतलब अभी चैप्टर 3 हुआ था, इसी में यूनिट 2 में चैप्टर 3 था, एक चैप्टर 4। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर चैप्टर 4 की, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल की। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एंड एग्रीगेट सप्लाई की। सप्लाई मॉडल की, ठीक है, आज इस चैप्टर की बात करेंगे हम। ठीक है, द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल्स, ये चैप्टर 4 है यूनिट 2 का। मतलब यूनिट 2 में चैप्टर 3 था, इससे पहले हमने लेबर मार्केट पढ़ा। क्या पढ़ा इससे पहले हमने? लेबर मार्केट पढ़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ हमें सब आना चाहिए। लेबर मार्केट पढ़ लिया है हमने, एक गुड्स मार्केट पढ़ा है, गुड्स मार्केट, और एक हम पढ़ के आए हैं मनी मार्केट। ठीक है, ये तीन मार्केट हम पढ़ के आए हैं, इन तीनों को बेस बना के इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ओके। लेबर मार्केट में आपने पढ़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, 1 माइनस नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट अपॉन लेबर फोर्स, ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो। गुड्स मार्केट में आपने पढ़ा है क्या है, सी एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू आउटपुट, इसी का पढ़ा था, सी प्लस आई प्लस जी। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट वगैरह भी पढ़ा था, लेकिन चलो हम इसको मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मनी मार्केट में भी आप पढ़ के आए हो, नॉमिनल मनी सप्लाई, मतलब नॉमिनल मनी अपॉन प्राइस लेवल इक्वल टू क्या था, के वाई माइनस एच आई, ये सारा हम पढ़ के आए हैं। गुड्स मार्केट में ये फॉर्मूला, लेबर मार्केट में ये लास्ट में, ठीक है, मनी मार्केट में ये सारा पढ़ के आए। अब इसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे आज के चैप्टर 4 की ओर। ठीक है, यूनिट 2 के चैप्टर 4, जिसमें पहले हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, फिर एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे। बेसिकली हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ लिया है, फर्स्ट चैप्टर था जो आपका ISLM, उसमें लास्ट में एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल का डेरिवेशन वगैरह बताया था मैंने, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से, ISLM की हेल्प से। ठीक है, कि कैसे एक IS और LM होता है, फिर उसको LM को शिफ्ट होने की वजह से ये हो जाता है, फिर ऐसे हम नीचे गए थे, ध्यान हो कुछ तो, और ऐसे इसका कर्व बनता है AD का। बेसिकली मैं फिर से रिविजन करा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया है, तो पहले हम एग्रीगेट सप्लाई पढ़ेंगे, एग्रीगेट डिमांड इनका डेरिवेशन देखेंगे कैसे डिराइव किया गया इनको, फिर इनके शिफ्ट देखेंगे, पहले ड्राइव देखेंगे डेरिवेशन, फिर इसके शिफ्ट के कॉजेस देखेंगे कैसे शिफ्ट होता है, सेम AD में भी यही चीज़ करेंगे हम। फिर दोनों का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, जैसे ISLM में पढ़ा था वैसे ही इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे दोनों का। ठीक है, बाकी फिर आगे बढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम भी आप दो चीज़ों में पढ़ोगे, एक शॉर्ट रन के अंदर और एक मीडियम रन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, यदि मैंने नीचे लिख रखा है शायद, हाँ ये रहा। ठीक है, ये देखो चैप्टर 4, द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मॉडल। इसमें आपको सबसे पहले एग्रीगेट सप्लाई पढ़ाएंगे, जिसमें हम डेरिवेशन ऑफ AS कर्व एंड शिफ्ट इन द एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, फिर एग्रीगेट डिमांड पढ़ाऊंगा, जिसमें डेरिवेशन ऑफ AD कर्व होगा, शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, और फिर इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, सॉरी मीडियम रन। आज हम इतनी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कितना इस यूनिट में, मतलब इस लेक्चर में खत्म हो जाए। बाकी फिर ये कुछ छोटी छोटी सी बातें, ठीक है, जिसमें मॉनेटरी एक्सपेंशन, फिस्कल एक्सपेंशन, प्राइस ऑयल में राइस कैसे, और लास्ट में मैकेनिज्म को समझेंगे। ठीक है, बिजनेस साइकिल एंड प्रोपोगेशन मैकेनिज्म, छोटी छोटी बातें, इनको हम एक लेक्चर में कर लेंगे। साथ में PYQs भी यहाँ देख लेंगे यदि मौका मिला तो। ठीक है, PYQs भी यहाँ देख लेंगे इस पूरी यूनिट 2 के। ठीक है, और अभी हमारा फोकस रहेगा मेन, इतना हम कंप्लीट करा ले जाएं आज, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे होगा शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में। चलो बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की। देखो बच्चों, एग्रीगेट सप्लाई को समझने के लिए इसके डेरिवेशन की सीधी बात हम यहाँ करेंगे, 1.1 डाल दूँ यदि, तो हम डेरिवेशन की बात करेंगे सबसे पहले, डेरिवेशन ऑफ AS कर्व, एग्रीगेट सप्लाई कर्व। ठीक है, अब देखो इस डेरिवेशन को समझने के लिए, देखो डेरिवेशन तो कुछ है नहीं, आप सीधा कर्व बना दोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए पहले हम स्टेप से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है पहले तो ये जान लो, एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, एग्रीगेट सप्लाई शोज द रिलेशनशिप
सो द रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन लिखा ठीक है, बिटवीन आउटपुट एंड प्राइस लेवल, ठीक है, आउटपुट एंड प्राइस लेवल। तो एक ऐसा कर्व होगा जो रिलेशनशिप शो करेगा किसके बीच में, आउटपुट और प्राइस लेवल के बीच में। हालांकि ये दोनों पॉजिटिव रिलेशन करते हैं, आपस में पॉजिटिव रिलेशन रखते हैं, इसको भी समझेंगे ठीक है। तो इसी को हम बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है, तो हम क्या देखेंगे, सो एग्रीगेट सप्लाई यहाँ जो देखेंगे कर्व, वो रिलेशन दिखाएगा आपको या कॉम्बिनेशन दिखाएगा किसका, आउटपुट का, प्राइस लेवल का, ठीक है। तो मेन चीज ये है एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो एग्रीगेट सप्लाई में स्टेप वन की बात करें, जो हम पढ़ के आए हैं पहले, स्टेप वन देखो एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है, मार्केट में सप्लाई कहाँ है, मतलब लेबर। तो हम यहाँ लेबर मार्केट को देखेंगे पूरा, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई में। और एग्रीगेट डिमांड में आप ISLM देखेंगे, गुड्स मार्केट और मनी मार्केट, ठीक है, वहाँ डिमांड की बात करेंगे, सप्लाई में हम लेबर मार्केट की बात करेंगे, ठीक है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो स्टेप वन में समझो क्या है, स्टेप वन में कुछ नहीं है, आप वेज डिटर्मिनेशन पढ़ के आए हो, पिछले चैप्टर में पढ़ा था वेज डिटर्मिनेशन, क्या फॉर्मूला था लास्ट में जो निकला था वेज डिटर्मिनेशन का, ध्यान है, नॉमिनल वेज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल एंड फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑल वेरिएबल, ये ध्यान है ना। डब्ल्यू क्या था आपका, नॉमिनल वेज, नॉमिनल वेज ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, यू क्या है आपका, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, और लास्ट है जेड कैच ऑल वेरिएबल, कैच ऑल वेरिएबल या अदर फैक्टर भी कह सकते हैं इसको। ये बातें हम पहले पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, तो बार बार हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, इतना बता दिए काफ़ी है। तो वेज डिटरमिनेशन का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा एक, ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है दूसरा फॉर्मूला, तो इतनी सी बात समझ में आई, इसको हम इक्वेशन वन डाल दे रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, इक्वेशन वन। अगली समझो, अगले स्टेप टू पे चलते हैं अब, ठीक है, स्टेप टू, इसमें आपने प्राइस डिटरमिनेशन पढ़ा था पहले, प्राइस डिटरमिनेशन, ठीक है, इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पी इक्वल टू क्या था, वन प्लस म्यू एंड मार्कअप, हाँ नॉमिनल वेज, ठीक है, यहाँ पे पी क्या है आपकी, एक्चुअल प्राइस लेवल, एक्चुअल प्राइस लेवल, ये सब पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो बस हम लिख रहे हैं फिर से। म्यू क्या आपका, मार्कअप, ऐसी को हम बोलते हैं प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है, बाकी जो भी है ठीक है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट बोलते हैं जिसको, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन। और ये डब्ल्यू क्या आपका, नॉमिनल वेज, ठीक है, नॉमिनल वेज, ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी भी लिख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से ये जो चीज़ रिवाइज कर चुके हैं या मतलब जो चीज़ पढ़ चुके हैं उसको हम इतना गहराई में अंदर ना जाएं, ठीक है। तो ये आपका दो फॉर्मूले, इसको हम इक्वेशन सेकेंड डाल देते हैं, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं इक्वेशन जिस जगह लगा, क्यों जरूरत पड़ेगी अभी समझ में आएगी क्यों। अब देखो ये दो स्टेप्स हम क्या समझते हैं, अब इन दो स्टेप से हम समझते हैं कि यदि इस पी की वैल्यू सॉरी हाँ डब्ल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस डब्ल्यू की जगह हम ये पूरी इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं। तो जो ये फॉर्मूला आपने अभी देखा प्राइस डिटरमिनेशन वाला, वन प्लस म्यू और नॉमिनल वेज, इस डब्ल्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर दें, पूरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, तो हम ले सकते हैं वन प्लस म्यू और डब्ल्यू की जगह पूरी जो भी अभी हमने पढ़ा, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल एंड फंक्शन ऑफ एंड जेड, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी को हम थोड़ा और अच्छे से लिखें तो ऐसे ले सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल वन प्लस म्यू फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑन वेरिएबल, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत इतनी सी बात में, बताओ बताओ कोई दिक्कत। अब देखो कुछ एंज्यूम करते हैं, कुछ एजम्पशन लेते हैं हमने यहाँ पे, ठीक है, एजम्पशन ये लेंगे, सबसे पहला एजम्पशन ये लेंगे जो पीई है, क्या बोलते हैं सॉरी, यहाँ जो ये आपका यू है सॉरी ये है म्यू है और जेड है, ये आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है, पहला एंज्यूम ये करते हैं, ये क्या है आपका कांस्टेंट है मार्कअप, वैसे भी एक समय तो एक ही जैसा होगा ना, जेड कैजुअल वेरिएबल, ये भी आपका क्या कांस्टेंट है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली तो ये जो आउटपुट है, आउटपुट होगा आपका, देखो हमने पहले बात यहाँ की है एग्रीगेट सप्लाई में रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड प्राइस लेवल, तो हम कुछ ना कुछ इसी के इधर उधर रिलेशन में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आउटपुट है अफेक्ट किस पे करेगा,
प्राइस लेवल पे करेगा, आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे करेगा, दूसरा आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे करेगा, और तीसरा आपका किस पे करेगा, प्राइस पे करेगा। एक्चुअल प्राइस लेवल, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल और बचा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दोनों हमने कॉन्स्टेंट मान लिए। तो जो आउटपुट है वो अफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे और प्राइस लेवल पे। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इतनी सी बात में। अब इस यू को हटाना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने रिलेशन किसके बीच में लाना है, आउटपुट के और प्राइस लेवल के बीच में। तो इसको यू को हटाने की कोशिश करेंगे अब। तो आपने एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर्मूला पढ़ा था, यू अपॉन एल, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉन लेबर फोर्स। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखा था, यू को एल इक्वल टू क्या था, यू प्लस एन था, ध्यान होगा आपको। तो यू की जगह हम एल माइनस एन लिख सकते हैं, यू की जगह। तो हम एल माइनस एन अपॉन एल, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट वन माइनस एन अपॉन एल लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, बताओ 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 बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बाई इक्वल टू एन, तो एन की जगह हम बाई लिख सकते हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू वन माइनस बाई अपॉन एल, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये भी पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में। ठीक है, ये क्या था बाई आपका आउटपुट, और एन क्या था एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फॉर्मूला बेसिकली ये था, वहाँ एज्यूम करके ए को भी हमने बन मान लिया था लेबर प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तो बाई इक्वल टू एन हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, बोलो बोलो बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसको यदि हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये जो इक्वेशन आपकी, इसको इक्वेशन थर्ड लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, इसको भी हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी इक्वेशन को हम फिर से यहाँ लिखते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल आगे वन प्लस म्यू फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैच ऑल वेरिएबल। अब देखो, इस यू की जगह कहाँ, ये यू, ठीक है, ये हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो रख देते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल वन प्लस म्यू फंक्शन ऑफ वन माइनस बाई अपॉन एल कॉमा जेड। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। पी क्या है आपका, एक्चुअल प्राइस लेवल है ये। ठीक है, बेसिकली ये भी हम बता चुके हैं शायद, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है ये, लेकिन ये सब लिखना पड़ेगा तुम्हें, यदि डेरिवेशन आता है तो ये सब लिखना पड़ेगा तुम्हें, तभी नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिर ये वन है, प्लस म्यू क्या मार्कअप है, फिर ये फंक्शन है, फंक्शन वन माइनस आउटपुट। ठीक है, ये एल क्या, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स। ठीक है, कॉमा जेड क्या आपका, अदर फैक्टर है, कैच ऑल वेरिएबल, कैच ऑल, ऐसे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई आपको? अब देखो सीन क्या है, अब जो आपका क्या कहते हैं, प्राइस लेवल डिपेंड करेगा आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे या दूसरा आउटपुट पे। ठीक है, बाकी एल भी यहाँ पे हम एजम्पशन में क्या मान लेते हैं, कहाँ लिखा था यहाँ, तो एल को भी हम कॉन्स्टेंट मानेंगे, लेबर फोर्स को भी। ठीक है, अभी ये एज्यूम कर रहे हैं, तो एज्यूम कर लो शांति से, मत कहो क्यों कर लिया एज्यूम, अभी एज्यूम किया है, आगे ये भी चेंज होंगे, वेरी करेंगे, अभी एज्यूम किया है, यही इकोनॉमिक्स को पढ़ने का तरीका है। एक साथ तुम सब चीज़ को नहीं कर सकते, तो कुछ चीज़ें होती हैं एज्यूम करते जाते हैं, फिर आगे लॉन्ग रन पढ़ेंगे, जब लॉन्ग रन मार्केट में पढ़ेंगे तब देखेंगे कॉन्स्टेंट से हट हट के क्या हो रहे हैं, चेंज होने लगेंगे, वेरी होने लगेंगे। जैसे अभी शॉर्ट रन में प्राइस लेवल को हमने कॉन्स्टेंट माना था, यहाँ चेंज होने लगी है, धीरे धीरे होंगे, तो अभी ये सब हमने कॉन्स्टेंट मान रखे हैं। ठीक है, तो इतना दिल पे मत लेना। तो ये एल भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो प्राइस लेवल है आपका, प्राइस लेवल, ठीक है, क्या है प्राइस लेवल, ये डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पीई एंड क्या है बाई आउटपुट। ठीक है, ठीक है, इतना लिख सकते हैं। तो ये जो प्राइस लेवल है डिपेंड करेगा आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पे और आउटपुट पे। तो अब देखो, समझो आगे बात, अब यहाँ पे दो चीज़ निकल के आएंगी, दो प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी, क्या निकल के आएंगी कहेंगे, हाँ पहली समझो। देखो, यदि आउटपुट बढ़ता है, सुनो सुनो, यदि आउटपुट बढ़ता है मार्केट में कुछ हुआ, ठीक है, आउटपुट बढ़ा मतलब प्रोडक्शन बढ़ी, आउटपुट बढ़ने का मतलब क्या है, प्रोडक्शन बढ़ी है आपकी, पीएन लिख दे रहा हूँ, प्रोडक्शन बढ़ी है, प्रोडक्शन ऐसे नहीं बढ़ेगी, प्रोडक्शन कब बढ़ेगी, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। प्रोडक्शन किसी चीज़ की कैसे बढ़ सकती है, जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है तो वेज क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, बेरोजगार लोग ज़्यादा क्या क्या कम हो गए, बेरोजगार कम हो गए, लोग रोजगार ज़्यादा है तो वेज भी बढ़ जाएगा, तो नॉमिनल वेज क्या होगा,
नॉमिनल वेज भी बढ़ जाएगा। तो लास्ट में जब नॉमिनल वेज बढ़ेगा तो आपका रियल वेज, नॉमिनल वेज बढ़ जाएगा, प्राइस लेवल वही है, तो आपका प्राइस लेवल बढ़ेगा, तभी तो रियल वेज आपका जो है, देखो क्या फॉर्मूला था, रियल वेज इक्वल नॉमिनल वेज एन डब्ल्यू लिख दे रहा हूँ, कन्फ्यूज मत होना, ठीक है, अपन प्राइस लेवल। अब मैंने कहा आउटपुट बढ़ा, आउटपुट देखो आपको एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आना, आपको पूरा लिख के आना, अराइज इन आउटपुट रिजल्ट इन अराइज इन द प्राइस लेवल, फिर ये पूरी चीज समझाओगे क्यों कैसे हुआ, ठीक है। तो राइज इन आउटपुट रिजल्ट इन मोर एम्प्लॉयमेंट और लेस अनएम्प्लॉयमेंट, एज अ रिजल्ट नॉमिनल वेज राइज, इट लीड्स टू राइज इन प्राइजेस, ऐसे कुछ लिख के आना है। लेकिन यहाँ समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आउटपुट बढ़ा, आउटपुट कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी चीज की, आउटपुट का मतलब जो भी बन रहा है वो बढ़ा है, कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी, अब प्रोडक्शन ऐसे तो बढ़ेगी नहीं, लेवल चाहिए उसके लिए, तो मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, ये चीज़ हमने शुरू में भी बताई थी पिछले चैप्टर में, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हुआ, कम हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम हुआ होगा ऑब्वियसली, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोग रोजगार ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है तो वेज में भी पैसा ज़्यादा खर्च होगा, अब जब वेज में ज़्यादा पैसा जाएगा तो जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ रही है ना, प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ रही है, जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो जो फर्म वाला आदमी है वो क्या करेगा, आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी तो जो आउटपुट आ रहा है उसकी प्राइस बढ़ा देगा, बेचने जब वो बेचेगा मार्केट में तो उसकी क्या होगा, प्राइस को बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगी, प्राइस लेवल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही है देखो कैसे आउटपुट है, और वो आउटपुट भी देखो बढ़ा है, यहाँ पे मैं लिखा आउटपुट बढ़ा है तो प्राइस लेवल भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो यही दिखा रहा है आपका पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, इनके बीच में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है, तो आउटपुट बढ़ रहा है उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, सॉरी प्राइस लेवल, ठीक है, आउटपुट बढ़ रहा है तो प्राइस लेवल भी बढ़ रही है, एक चीज़ ये हुई यहाँ पे, ठीक है, वन। दूसरी चीज़ ये समझ लो क्यों, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, पहले बताओ बताओ, यही है डेरिवेशन और कुछ नहीं है, डेरिवेशन हुआ स्टेप वन डाल के आप ये लिखना वेज डिटर्मिनेशन, फिर प्राइस डिटर्मिनेशन लिखना, फिर यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू ये वाली पुट कर देना, ठीक है, फिर ये पूरा कर दिया, फिर यहाँ से यू जेड इसको कांस्टेंट मानेंगे, फिर इस यू को हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन किसके बीच में दिखाना है, रिलेशनशिप आउटपुट और प्राइस लेवल के बीच में, तो यू को हटाने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, ये वाला, फिर एल को भी हम क्या मानेंगे, कॉन्स्टेंट ही एज्यूम कर लेंगे, तीन चीज़ें, ठीक है, उसके बाद हम ये फॉर्मूला आ गया अब हमारा, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्राइस लेवल है किस किस पे इम्पैक्ट करेगी या किस किस पे डिपेंड होगी, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल और दूसरा आउटपुट, तो हमने समझा क्या आपस में इनका जो डिपेंड करेंगे वो पॉजिटिवली करेंगे या फिर नेगेटिव या इनवर्स रिलेशन होगा क्या आउटपुट का और प्राइस लेवल का, तो हमने समझा जब आउटपुट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा तो वेज भी बढ़ेगा नॉमिनल वेज, ठीक है, नॉमिनल वेज बढ़ेगा तो उसको कॉन्स्टेंट करने के लिए वेज को फिर हमें प्राइस लेवल बढ़ाना पड़ेगा, या कॉस्ट बढ़ जाएगी तो अपने आप प्राइस लेवल बढ़ ही जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो प्रोडक्शन और सॉरी प्राइस लेवल बढ़ गई, तो इनका रिलेशन हो गया, यदि इनकम आउटपुट बढ़ रहा है तो प्राइस लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात समझो, ये बहुत खास बात है, देखो यदि राइज होता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल में, कोई राइज होता है बढ़ती है, ठीक है, तो इसका रिजल्ट ये होगा आपकी प्राइस लेवल भी बढ़ेगी, क्या होगा, प्राइस लेवल पी, ठीक है, प्राइस लेवल पी, ये भी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी, वो भी 141 बढ़ेगी एकदम, मतलब बता रहा हूँ अभी 141 बढ़ेगी, यदि ये 2x बढ़ती है, दोगुनी होती है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, तो प्राइस लेवल भी आपकी एक्चुअल प्राइस लेवल भी 2x बढ़ जाएगी, ठीक है, ये इनका रिलेशन है आपस में, क्यों, मान लो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ी, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ गई, देखो रियल वेज इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल वेज अपॉन प्राइस लेवल, अब मान लो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ गई, ये हमने बढ़ा दी, तो नॉमिनल वेज भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो रियल वेज कॉन्स्टेंट होगी, तो हम क्या करेंगे, नॉमिनल वेज को भी बढ़ा देंगे, ठीक है, नॉमिनल वेज को बढ़ाएंगे तो फिर प्राइस लेवल भी आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ ही जाएगी, क्योंकि आपने वेज बढ़ा दिया है तो आपका वेज, देखो यहाँ देखा था ना, वेज बढ़ाया हमने, वेज बढ़ाओगे तो प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, इस वजह से जो फर्म का होगा वो आदमी क्या करेगा, अपना जो भी आउटपुट बना रहा था, जो भी उसका फिनिश्ड गुड था, उसको एक्स्ट्रा प्राइस में बेचेगा कहीं से, तो वो भी प्रॉफिट निकालेगा, तो अल्टीमेटली प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन इनका रिलेशन ये होगा कि ये दोगुनी बढ़ती है तो ये भी दोगुनी बढ़ेगी, ये 6x बढ़ती है, 6 गुनी होती है तो ये भी 6 गुनी ही होगी, ठीक है, ये इनका आपस में रिलेशन होता है, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है,
एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ेगी यदि, तो प्राइस लेवल भी बढ़ेगी, वो भी 141। ठीक है, 141 का मतलब यहाँ पे ये है एक जैसी बढ़ेगी। यदि ये बढ़ती है, क्या कहते हैं, मान लो 3 टाइम्स ही बढ़ती है, 3x, तो ये भी 3 टाइम्स ही बढ़ेगी। ठीक है, ये क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो, अब हम एक कर्व बना सकते हैं यहाँ पे, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। बोलो बोलो, बना सकते हैं? समझ में आ गया होगा यार, ऐसा इतना भी भाई यार नहीं पढ़ाया, फलिंग जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश तो यही है कि समझ में कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, अब देखो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना है, तो पहले हम इधर लिखेंगे। देखो हमने पहले लिखा था यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई का जो शो करता है वो रिलेशनशिप किस किस के बीच, आउटपुट और प्राइस लेवल। ठीक है, तो हमेशा की तरह इधर साइड लिखेंगे हम आउटपुट, ठीक है, जो भी आउटपुट है, ठीक है, बाई से डिनोट करते हैं इसको। इधर हम लिखेंगे आपका प्राइस लेवल, प्राइस लेवल पी। ठीक है, प्राइस लेवल पी। ठीक है, अब देखो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, पी और आउटपुट के बीच में हमने बताया था पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, ऐसा बनेगा। देखो बनेगा तो ऐसा थोड़ा, ठीक है, सही से नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, और सही से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा, चलो ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। अब मान लो इस समय क्या बोलते हैं, ये चेंज कर लूँ, इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, तो लिखने का होता है मन, लेकिन बिना पहले से लिखा हुआ ना फील नहीं आता पढ़ाने में, ऐसा लगता है कॉपी कर लिया है बस उसी को बोलते जा रहे हैं, थोड़ा लिखने का अलग ही फील आता है भाई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, हाँ ये आपकी प्राइस लेवल हो जाएगी पी, और ये हो जाएगी आपकी आउटपुट। अब देखो यही सीन है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे भी हम इसको लिखते हैं, ये हम लिखेंगे मीडियम रन में। मीडियम रन में क्या होता है, मीडियम रन में हम बेसिकली अल्टीमेटली एंड में क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू पी करते हैं, और ये हमने पहले बताया था पिछले उसमें अभी, कि यदि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू प्राइस लेवल है तो आउटपुट में भी यही सीन होगा, कि आउटपुट भी इक्वल टू हो जाएगा नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट का होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये बताया था, यहाँ पे भी वही सुन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पी इक्वल टू पी ई हो जाएगा, और इधर भी बाई इक्वल टू बाई बार, मतलब कि प्राइस लेवल इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, और आउटपुट इक्वल टू नेचुरल रेट लेवल ऑफ आउटपुट या नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। अब ये देखो सीन क्या है, ये हमने यहाँ इक्वल क्यों लिखा है, देखो शॉर्ट रन की बात करें, यदि हम शॉर्ट रन में ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पी इक्वल टू पी हो, वो इक्वल नहीं भी हो सकता है शॉर्ट रन में, ये भी सीन होता है, लेकिन हम मीडियम रन भी साथ में बना रहे हैं इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अभी समझ में आएगा जब हम एग्रीगेट सप्लाई के बाद इक्विलिब्रियम पे जाएंगे ना, तो ये चीज़ समझ में आ जाएगी क्यों। ठीक है, अभी थोड़ी कम आ रही होगी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आगे जैसे ही आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो उस समय ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है तुम्हारा, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, पॉइंट डाल देता हूँ इसको, ये डाल देता हूँ इक्विलिब्रियम नहीं, ऊपर तुम इक्विलिब्रियम समझोगे बी। ठीक है, और ये आपका ओ पॉइंट हो गया, और कुछ डालना है? नहीं। ठीक है, यहाँ एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इक्वल टू प्राइस लेवल होगी, यहाँ नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट इक्वल टू नेचुरल सॉरी आउटपुट होगा। ठीक है, इतनी सी बात के लिए ये पॉजिटिव रिलेशन दिखा रहा है आपका, कि जब प्राइस लेवल इतनी होगी आउटपुट इतना, जब प्राइस लेवल बढ़ेगी तो आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इतनी सी बात में? चलो मैं लिख देता हूँ इसी चीज़ को हल्का सा नीचे पेन चेंज करके, देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग स्विंग स्विंग डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि नोट्स में बाद में मिल जाए थोड़ा लिख दूंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन, ये बिटवीन लिखता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, बिटवीन आउटपुट एंड प्राइस लेवल। ठीक है, ये मैं अभी बोल चुका हूँ वही चीज़ लिख रहा हूँ, प्राइस लेवल, इफ आउटपुट राइजेस
यदि आउटपुट राइज होगा मतलब ये चीज राइज होगी तो प्राइस लेवल भी राइज हो जाएगा, ठीक है। इसी बात का तो पॉजिटिव रिलेशन है, और उल्टा भी होगा तो दोनों में उल्टा होगा। तो इफ आउटपुट राइजेस प्राइस लेवल राइजेस एंड वाइस वर्सा, ठीक है। यदि कम होगा तो कम भी होगा दोनों तरफ, ठीक है। ये यहाँ ऐसे कर दे रहा हूँ कुछ, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है? यहाँ मैंने ये चीज़ समझ में आई ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये वो पॉइंट है जिस जगह आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल के इक्वल है, और ये वो पॉइंट है जिस जगह आपकी नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट इक्वल टू आउटपुट है, ठीक है। तो ये हल्की सी बात थी। अब सुनो आगे, यही एक बात तो सुनो 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 सुनो। देखो एक तो ये चीज़ क्लियर है आपको, दूसरी एक चीज़ और देख लो। यदि 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 बाई है, देखो एक एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल तब चलेगा जब इधर नीचे की ओर क्या होगा, आपका नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है। मतलब कर्व से समझाता हूँ, रुको। ठीक है, अब देखो इस जगह मान लो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है, तो यहाँ पे आपका नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आपका ए एस है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। अब यदि आउटपुट बढ़ता है, ये नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है, ये आउटपुट है, यदि आउटपुट बढ़ेगा तो प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगी, यहाँ आ जाएगी एक्चुअल प्राइस लेवल। तो हम कह सकते हैं जब बाई ज़्यादा होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में आउटपुट आपका ज़्यादा होगा, उस समय क्या होगा, प्राइस लेवल आपका ऐसे लिखते हैं, यदि ये चीज़ से ज़्यादा आपका आउटपुट होगा उस समय क्या होगा, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल से ज़्यादा आपकी प्राइस लेवल होगी, एक बात। दूसरी, यदि इधर लिखते हैं, यदि आउटपुट इधर है आपका, ठीक है, आउटपुट लेवल इधर है, तो आपका प्राइस लेवल यहाँ होगा। तो इस समय क्या होगा, यदि जब आपका नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से कम होगा आपका आउटपुट, उस समय क्या होगा, आपकी प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ज़्यादा होगी, जो सोचने की वो है कि आगे जाके प्राइस लेवल क्या होगी, और एक्चुअल में कम होगी, ठीक है। तो ये दो सिचुएशन है, जब आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ये है, उस समय नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट ये है। अब एक्चुअल में जो आउटपुट आपका है ज़्यादा है तो प्राइस लेवल भी ज़्यादा होगी, और यदि एक्चुअल में आपका आउटपुट कम है तो आपका प्राइस लेवल भी कम होगा। लेकिन जो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट होना चाहिए, वो उस समय होगा जब आपका ये एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल भी इक्वल होगी। तो ये सिचुएशन वो भी हो सकती है जब इस जगह प्राइस लेवल हो और यहाँ नेचुरल लेवल आउटपुट के ये इक्वल भी हो। तो एक सिचुएशन ये दूसरी है, ठीक है। आई समझ में कि नहीं आई? सीधी सी बात ये है, ये आपका कर्व है, ठीक है, ठीक है। यहाँ नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट होगा तो इधर आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल होगा, ये सिंपल है, इनका रिलेशन आपस में चलेगा, ऐसे समझ लो। नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, जब आपका आउटपुट ज़्यादा होगा नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से तो प्राइस लेवल ज़्यादा होगी, और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट से आपका आउटपुट कम है तो आपकी प्राइस लेवल भी कम होगी एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल से, ठीक है। इतनी सी बात थी, आगे समझ में? तो आगे बढ़े, बोलो बढ़े आगे। अब शिफ्ट की बात करते हैं, इसी में शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट इन ए एस कर्व। ए एस कर्व में शिफ्ट कैसे होगा, ठीक है। तो देखो पहले हम एक कर्व की कॉपी कर लें यहां से, पूरा हुआ नहीं है शायद, फिर से करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो अब मैं शिफ्ट की बात कर रहा हूँ इसमें, ठीक है, शिफ्ट इन ए एस कर्व। तो शिफ्ट कब होगा ये समझो, यहाँ आपका पी इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है, यहाँ आउटपुट इक्वल टू नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है, कोई सा भी मान लो, इसको नाम दे देता हूँ बी। ये आपका एग्रीगेट, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है। अब मान लो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल इंसान की बढ़ जाती है किसी कारण, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पीई से होके PE1 हो गई, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ गई, ठीक है। क्या है, यदि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ती है तो मान लो यहाँ पहुँच गई, PE1 इधर पहुँच गई है, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, आउटपुट वही रहेगा, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ी है,
ठीक है, तो वेज भी बढ़ाएंगे, नॉमिनल वेज को बढ़ाएंगे, और रियल वेज क्या करेगी, इसको कांस्टेंट कर देगी, आउटपुट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये जस्ट आउटपुट इतना ही रहेगा, ठीक है, इसको बी को इधर ले रहे हैं, आउटपुट इतना ही रहेगा, ये बस ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ ये बस इधर, तो यहाँ पर पूरा ए एस कर्व है जो आपका शिफ्ट होके ऊपर की ओर चला जाएगा, आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, यहाँ शिफ्ट होके ऊपर की ओर चला जाएगा आपका, इसको हम नाम दे देते हैं AS1, ठीक है, AS1, ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं, और बाद में प्राइस लेवल भी यहीं पहुँच जाएगी आपकी, ठीक है, समझो समझो मैंने क्या किया है, मैं कह रहा हूँ शिफ्ट इन AS कर्व, तो मान लो PE थी पहले, अब PE PE1 हो गई, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ गई, ठीक है, वेज सेटर में बड़ी, अब जब एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ी है तो नॉमिनल वेज को भी ये बढ़वा देंगे, नॉमिनल वेज को बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन को, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसकी फर्म क्या करेगा, प्राइस बढ़ा देगा, तो अल्टीमेटली प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगी, तो ये ऊपर जाके भी मीडियम रेंज में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और साथ में आउटपुट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगी, आउटपुट वही रहेगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ेगी, और जो रियल वेज है वो जाके आपको कांस्टेंट कर देगा, लेकिन ये नहीं बढ़ेगा आपका, ये इतना ही रहेगा, तो इस वजह से शिफ्ट ऊपर की ओर पहुंच जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, शिफ्ट इन एस कर में बस इतना ही था और कुछ नहीं है, इसको मैं इधर लिख भी देते हैं ऐसे कि एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल बढ़ी जिसकी वजह से आपका नॉमिनल वेज बढ़ा, नॉमिनल वेज बढ़ने की अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगी, यदि किसी को ये चीज़ समझ नहीं आ रही क्यों बढ़ रही है तो वो रट ले, वरना मैं समझा चुका हूँ, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल जब बढ़ेगी तो नॉमिनल वेज बढ़ेगा, ताकि रियल वेज, क्योंकि लेबर को रियल वेज से मतलब होता है भाई, उसको नॉमिनल वेज से मतलब ही नहीं है, लेकिन जब एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ये वाली वैल्यू बढ़ेगी तो उसको भी बढ़ानी पड़ेगी नॉमिनल वेज, और उसकी वजह से क्या होगा, रियल वेज मतलब नॉमिनल वेज बढ़ेगी तो आपकी रियल वेज तभी तो कांस्टेंट रहेगी, तो इसलिए जब नॉमिनल वेज बढ़ाई जाएगी तो फर्म वाला जो भी मैनेजमेंट है वो अपना जो भी प्रोडक्शन है उसकी प्राइस को भी बढ़ा देगा, तो एक्चुअली में अल्टीमेटली क्या होगी, प्राइस लेवल भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये ऊपर मीडियम रेंज में भी जाके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और आउटपुट यहीं का यहीं रहेगा, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है, आगे बात समझ में, यदि इतनी सी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े एग्रीगेट डिमांड की ओर चलें, बोलो बोलो बोलो, एग्रीगेट डिमांड पे चले, चलो हम बात करते हैं, देखो कितना क्लियर हो गया आपका, यदि इसमें देखें हम, पहले ये हटा दूं, ठीक है, इसमें देखो आपका ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की, ठीक है, यहाँ एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं हम, वैसे हम बता चुका हूँ पहले भी हल्का फुल्का, बल्कि ज़्यादा ही बता ही दिया था, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा बता देता हूँ, वरना पीछे पढ़ के आया हो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, एडी के डेरिवेशन की बात करते हैं पहले, डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व, एडी कर्व, देखो डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व समझने से एडी किस किस पे डिपेंड करेगा ये सोचो, एक IS और दूसरा LM कर्व, क्या लिख सकते हैं, गुड्स मार्केट, गुड्स मार्केट और LM में मनी मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है, अब देखो मेरी बात सुनो, गुड्स मार्केट में आपने पढ़ा था बाई इक्वल टू क्या था, C+I+G, ठीक है, और यहाँ आपने क्या पढ़ा था मनी मार्केट में, नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन प्राइस लेवल इक्वल टू KY-HI, ठीक है, ये बात समझ में आई, इतना ध्यान है, ध्यान है तो बोलो, आगे बढ़े फिर हम, इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं सी को, यहाँ पे Y-T कंजप्शन होता था, लेकिन टैक्स में से इनकम मतलब इनकम में से टैक्स हटाना, प्लस आई आई इन्वेस्टमेंट किस किस पे डिपेंड करेगा आपका, इंटरेस्ट रेट पे अफेक्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और दूसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पे, क्या और होगा, आउटपुट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है, और ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बाकी नेट एक्सपोर्ट वगैरह भी है, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, इतने से हमारा काम बन जाएगा, ठीक है, नहीं समझ में आया ये चीज़ क्यों लिख दी तो कोई बात नहीं, आप इतना समझो, ठीक है, ये नीचे इधर इतना, अब सीधी सी बात ये है, जो AD कर्व है आप पढ़ोगे, AD किस किस पे डिपेंड करेगी, AD कर्व यदि हम डायरेक्ट लिख दें एक ही उसमें, तो जो आपका आउटपुट होगा, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई करनी है हमें वैसे भी, तो जो आउटपुट होगा ये डिपेंड करेगा आपका, पहले तो आउटपुट पे ही करेगा, बाई पे, ठीक है, आउटपुट पे करेगा, दूसरा मनी सप्लाई अपन प्राइस लेवल पे करेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स पे, ठीक है, इतनी चीज़ों पे बेसिकली करेगा, बाकी जो भी रह गया मान लेना कांस्टेंट है, या उस पर इतना डिपेंड नहीं करेगा आपका, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो,
देखो सुनो, यहाँ पे हमने सी प्लस आई प्लस जी की बात की, कंजप्शन से हमें इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंज्यूम चीज अलग है, इन्वेस्टमेंट में वहाँ में आउटपुट आ जाएगा, इसमें भी यहाँ कहीं ना कहीं इनकम आ रही है, ठीक है, मतलब आउटपुट आ रहा है, इसमें भी आउटपुट आ रहा है, और ये गवर्नमेंट, तो हम सीधा बाई और जी को मेन चीज़ लिखेंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ बाई भी लिख लिया, जी भी लिख लिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, मनी सप्लाई, तो वो हमने मनी सप्लाई लिख ली है, टैक्स भी ज़रूरी है तो हमने टैक्स भी लिख लिया है। तो बेसिकली जो मोटा मोटा यदि हम देखें तो जो डिपेंड करेगा आपका आउटपुट वो किस किस पे करेगा, आपका मनी सप्लाई पे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्स पे। अब यदि मैं इसका रिलेशन भी बता दूँ, क्या रिलेशन रहेगा एग्रीगेट डिमांड का, तो देखो एम अपॉन पी जो है मनी सप्लाई, इसके साथ इसका रिलेशन कैसा होगा, मान लो मनी की सप्लाई बढ़ती है, मनी की सप्लाई बढ़ती है तो आपको पता है आउटपुट भी बढ़ेगा, ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं। कहोगे क्यों, तो ये रहा आईएस कर्व, ये रहा एलएम कर्व, मनी की सप्लाई बढ़ेगी, एलएम कर्व इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो पहले आउटपुट इतना था अब इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका रिलेशन कैसा होगा एम अपॉन पी का, पॉजिटिव, नीचे प्लस बना दिया, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो भी एलएम कर्व इधर शिफ्ट होगा तो भी आउटपुट बढ़ेगा, तो ये हो गया। टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ठीक है, तो टैक्स उल्टा हो जाएगा, तो यह नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हम रिलेशन भी लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने अभी एग्रीगेट सप्लाई में बात की थी, पहले हम एडी की बात कर लेते हैं, यहाँ पे एडी की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, एडी कर्व हमें क्या बताएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं शोज द रिलेशनशिप, जैसे वहाँ पे देखा था वही सेम यहाँ है, शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल, और बताओ बताओ दूसरा क्या है, जैसे अभी देखा था प्राइस लेवल, ये हटा दो, प्राइस लेवल एंड आउटपुट, ठीक है, यहाँ भी वही सेम सीन है, ठीक है, इसी के रिलेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसको हम ड्राइव कर चुके हैं पहले ही, यदि तुम्हें याद ना हो तो हम देखो याद दिलाते हैं तुम्हें अभी, अरे बहुत छोटी सी जगह छोड़ दी मैं, चलो ऊपर कुछ और लिख दूंगा, यहाँ देखो, देखो एक काम करें पहले ही बना लूँ कर्व, क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका भी और मेरा भी, ठीक है, चलो ऐसे ही बना लेता हूँ, देखो तो मान लो बना ही लेता हूँ, टाइम लग जाएगा, ठीक है, तुमने बना लिया था ना, ठीक है। अब समझो ये आपका आई एस कर्व, ये आपका एल एम वन, ठीक है, ये आपका एल एम टू, ये आपका बनेगा ए डी कर्व बाद में, पहले करा चुका हूँ तो इतना दिल पे भी मत लेना। देखो अब सीन क्या है, अब मान लो इस समय प्राइस लेवल था पी वन, ठीक है, जब आई एस वन ये है, एल एम वन ये है, ये आपका इक्विलिब्रियम में गुड्स मार्केट और मनी मार्केट में ई वन, ठीक है, उस समय प्राइस लेवल पी वन है, ये पॉइंट कट हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, प्राइस लेवल बढ़ गया, अब पी टू हो गया, तो देखो रियल मनी सप्लाई क्या होगी, नॉमिनल मनी सप्लाई अपॉन प्राइस लेवल, तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, टोटल जो रियल है वो कम हो जाएगी, तो एल एम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, एल एम कर्व किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो एल एम वन से एल एम टू की ओर चला जाएगा, उस समय आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और आउटपुट बाई टू हो जाएगा बाई वन से, ठीक है। तो यहाँ बाई वन और इधर बाई टू, ठीक है, तो ये प्राइस लेवल यहाँ, अब इन्हीं दोनों को हम ज्वाइन करके एडी कर्व बना देते हैं, ठीक है, ये वाला कर्व जो बना है, जो भी है समझ जाओ ना। ठीक है, ये जो बना है, ठीक है, ये आपका एडी कर्व है, ठीक है, तो ये इसका क्या कहते हैं, डेरिवेशन भी कह सकते हो, ये आपका इसका डेरिवेशन है, ठीक है। आगे असल में एडी कर्व कैसे बनाया, देखो बेटा आई एस एल एम था, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, उसमें प्राइस लेवल पी वन था, प्राइस लेवल बढ़ गया, मान लो प्राइस लेवल बढ़ गया, प्राइस लेवल बढ़ा तो आपका एल एम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये बता चुका हूँ क्यों शिफ्ट हो जाएगा एल एम कर्व, क्योंकि जो एक्चुअल में रियल मनी सप्लाई वो कम हो जाएगी प्राइस लेवल के बढ़ने से, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, आई वन से आई टू हो जाएगा, आउटपुट भी कम हो जाएगा, ठीक है, और प्राइस लेवल बढ़ने से ये पॉइंट, तो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे इनको, आपस में ज्वाइन करेंगे और ये आपका मिलेगा जाके ए डी कर्व, कुछ ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका मिलेगा ए डी कर्व, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। आएगा समझ में, इतनी सी बात क्लियर है, तो इसको लिख दें, चलो लिख लेना, खुद ही लिख लेना, ठीक है। अब इन्हीं की बात करते हैं हम शिफ्ट की, इनमें शिफ्ट के क्या कॉजेज हैं, तो वो भी हमने दोनों बता दिए, चैप्टर लेक्चर 7 ही है शायद जहाँ तक मुझे लगता है, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी,
मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में क्या है, मान लो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है, ऐसे नहीं अच्छे से बनाई देते हैं। चलो पहला वाला देखो, ये पहला वाला, ठीक है, ये है इधर, ये है, ठीक है, ये आपका IS है, ये आपका LM है, ठीक है, ये आपका इक्विलिब्रियम है, नीचे आपका डिमांड कर्व बनाते हैं, ठीक है, ये है, यहाँ से ये आउटपुट आया आपका, ठीक है, मान लो, और इस समय प्राइस लेवल है ये, ठीक है, आगे तक ले जाते हैं इसको पी प्राइस लेवल पे, तो यहाँ आपका एग्रीगेट डिमांड बनेगा, ठीक है, ADA बनेगा, आई बात समझ में, AD कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अब मान लो हम कह रहे हैं फिस्कल पॉलिसी में चेंज होगा, मतलब IS में चेंज होगा, मॉनेटरी पॉलिसी में LM कर्व चेंज होता है, इसमें IS चेंज होगा, तो IS शिफ्ट होकर मान लो आगे की ओर चला गया, तो शिफ्ट आगे की ओर हो जाएगा, तो प्राइस लेवल तो वही रहेगी क्योंकि हम शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो AD कर्व यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिस्कल पॉलिसी की वजह से है, ठीक है। अरे समझ जाना, ऐसा तो नहीं, उस लेक्चर 7 में मैंने फास्ट किया था ये चीज़, शायद मैंने फास्ट की थी वहाँ पे भी, ठीक है, समझ जाना। फिर भी देखो, ये आपका IS था, ये आपका LM था, ठीक है, अब क्या हुआ, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में चेंज होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा IS 2, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, प्राइस लेवल वही है, ठीक है, तो आपका ये शिफ्ट हो गया, AD कर्व इधर चला जाएगा, AD 1 से AD 2 की ओर, ठीक है, AD 2 की ओर। अब समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, तो इसी को रफ करके लिखते हैं, चलो फिर नोट्स में नहीं मिलेगा, ये फिस्कल पॉलिसी की वजह से हुआ है, ठीक है। अब देखो इसी को कॉपी कर लेते हैं, चलो सही मिल गया, थोड़ा बहुत साफ करना पड़ेगा बस। ठीक है, अब देखो, अब क्या है, यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज हो रहा है, हमने कहा मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज होगा, एक्सपेंशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मान लो तो LM कर्व ये है आपका, LM 1, ये शिफ्ट होके इधर आ जाएगा, LM 2 हो जाएगा, ठीक है, अब ये कहाँ कनेक्ट करेगा, यहाँ करेगा, ठीक है, तो ये आपका नया AD बन जाएगा, ठीक है, AD 2, तो ये इसमें शिफ्ट होगा, ठीक है, तो शिफ्ट समझ में आ गया होगा आई थिंक दोनों, ये हम पहले ही बता चुके हैं तो इतना वो नहीं है, ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इसमें भी और इसमें भी, यदि एक्सपेंशन होता है मॉनेटरी पॉलिसी में और फिस्कल पॉलिसी में, यदि कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दोनों तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। तो अब इक्विलिब्रियम की ओर चलें, बोलो इक्विलिब्रियम की ओर चलें, AD में शिफ्ट समझ में आ गया क्यों होगा, ठीक है, हाँ आउटपुट भी चेंज हो जाएगा, साथ में ध्यान रखना देखो, ये आउटपुट भी चेंज होगा, ठीक है, आउटपुट भी Y1 से Y2 हो जाएगा, इसमें भी सेम यहाँ पे Y1 से Y2 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलो तो इक्विलिब्रियम पे चले, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में आउटपुट समझना है, इक्विलिब्रियम समझना है, उस पर चलते हैं, चलो मुझे कंप्लीट कराना ही है आज, कुछ भी हो जाए इतना तो। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट की, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट, ठीक है, इसमें पहले हम शॉर्ट रन की बात करें, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम देखेंगे, ठीक है, शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम, तो देखो यहाँ पहले तो AS को AD के इक्वल करेंगे, उसी को इक्विलिब्रियम कहेंगे AS में, ठीक है, और AD को इक्वल करेंगे। AS में हमने लेबर मार्केट पढ़ लिया है, ठीक है, जहाँ हमने ये पढ़ा था एक्सपेक्टेड प्राइस 1+μ एंड फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जी हमने 1- आउटपुट अपॉन लेबर फोर्स लिखा था, कॉमा कैच ऑल वेरिएबल, और AD में आपने क्या पढ़ा है, तो AD में आपने पढ़ा है बाई इक्वल टू बाई मॉनेटरी अपॉन प्राइस लेवल गवर्नमेंट और टैक्स, ठीक है, इन्हीं दोनों को इक्वल करना है, सिंपल सी बात है, तो ये रहा आपका इक्विलिब्रियम, बहुत सिंपल सा, ठीक है, ये आपका AD कर्व, ठीक है, सीधा बना दिया, कोई ऐसा बना AD कर्व और ये AS तो कन्फ्यूज मत होना, थोड़ा आसानी के लिए हम नॉर्मल सा बना रहे हैं, ठीक है, ये आपका AS कर्व एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये रहा आपका इक्विलिब्रियम AS इक्वल टू AD, ठीक है, यहाँ आपका क्या होगा AS इक्वल टू AD, इस समय प्राइस लेवल ये रहा P, ठीक है, और ये रहा आपका आउटपुट बाई, ठीक है। अब देखो सीन क्या है, मान लो नेचुरल रेट ऑफ आउट जो लेवल ऑफ आउटपुट है, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट ये मान लो है कम है, यहाँ पे है इधर, कलर चेंज कर देना, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट मान लो यहाँ पे है भाई साहब, तो आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल यहाँ होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल यहाँ होगा,
बात की थी ना हमने पहले, देखो ऊपर ये देखो यहाँ पे की थी, यहाँ पे यदि ये आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल यहाँ है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है, तो यहाँ पे नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है, और आउटपुट अधिक है, प्राइस लेवल भी अधिक है, ठीक है। तो वही सीन यहाँ पे है, ठीक है। मान लो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है तो यहाँ यहाँ नहीं होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे है, आई बात समझ में। ये आपका एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल है और ये आपका नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट है, ठीक है। लेकिन अभी शॉर्ट रन में यहाँ पे है इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट और मनी मार्केट का। तो शॉर्ट रन में होता क्या है बेटा, शॉर्ट रन में ऑल पॉसिबिलिटीज होती हैं, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो शॉर्ट रन में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बाई इक्वल टू नेचुरल, मतलब आउटपुट इक्वल टू नेचुरल लेवल आउटपुट, ये नेसेसरी नहीं है, मीडियम रन में होना ही पड़ेगा, यहाँ नेसेसरी नहीं है कि हो, ठीक है। शॉर्ट रन में सभी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है आउटपुट इक्वल टू नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट हो, ऐसा भी हो सकता है आउटपुट से ज़्यादा हो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, और ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट कम हो। तो यहाँ सारी पॉसिबिलिटी होती हैं शॉर्ट रन के अंदर, ठीक है। तो मैंने ये बनाई है, तो तुम कन्फ्यूज मत हो ना, कैसे भी बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे यहाँ तक लगता है, इतना पढ़ के आ गए हो आगे तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई आपकी, ठीक है। शॉर्ट रन में सिर्फ ये इक्विलिब्रियम है, ये रहा एडी, ये रहा एएस, ठीक है, एडी इक्वल टू एएस, ये रहा आपका, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लेकिन ये आउटपुट है, ये प्राइस लेवल है। अब मैं बात करूँ नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट क्या है, तो मान लो ये है, तो इसमें एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल ये होगी ना कि ये, ठीक है। अब मीडियम रन में क्या होगा, मीडियम रन में भी यही सीन शुरुआत में होगा, लेकिन फिर एग्रीगेट सप्लाई ये आगे बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। क्यों, ये एएस कर्व शिफ्ट होता जाएगा यदि हम सही से आगे बनाते हैं यहाँ पे मीडियम रन में, ठीक है। इस पे मत लेना, एडी ऐसा होता है, एएस ऐसा होता है, वो हमने बना दिया था कि आपको आसान लगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अच्छे से बनाते हैं, पॉज करके से, ठीक है, लास्ट है। तो देखो अब ये मैंने इतना बना लिया है, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एग्रीगेट डिमांड, और ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। अच्छे से बनाया इसलिए मैंने ऐसा बनाया, वरना जल्दी बनाता हूँ तो ऐसा ऐसा बना देता हूँ, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड, ये रहा आपका एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई इस समय ये रहा आपका क्या बोलते हैं प्राइस लेवल पी, और ये रहा आउटपुट बाई, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम यही वाला सिनारियो लेते हैं, ठीक है। मान लो नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे है, पूरा ही लिख देता हूँ क्योंकि बाद में करना ही पड़ेगा, ठीक है। मान लो यहाँ एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पी ई यहाँ है और नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पे है, तो अब ये एग्रीगेट सप्लाई करेगा शिफ्ट, एग्रीगेट सप्लाई क्या होगा शिफ्ट, तो जो भी वेज सेटर है वो वेज में एक्सपेक्टेड प्राइस अपनी बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, और इस वजह से ये जो ए एस का कर्व है आपका बेटा, ये ए एस का कर्व शिफ्ट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये फिर यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, फिर यहाँ से ये और आगे पहुँचेगा, ठीक है, ऐसा ये पहुँचता चला जाएगा, और ये इस जगह पहुँच जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, जिस जगह बाई इक्वल टू बाई हो जाएगा, और इसी जगह पे प्राइस लेवल इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल हो जाएगा, इसमें शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई में, ठीक है। ये शिफ्ट होता जाएगा ताकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का भी इक्विलिब्रियम हो, साथ में इसका भी इक्विलिब्रियम हो, ये मीडियम रन में मेन चीज़ होगी, ठीक है। ये मान लो इस जगह पे एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पी ई है, पी है सॉरी, ठीक है, पी ई है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मान लो पी ई वन हो जाएगी इस जगह, क्या बोलते हैं, यहाँ यहाँ मान लो एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल पी ई वन है, ठीक है, पी ई वन, और यहाँ पहुँचते पहुँचते पी ई टू हो जाएगी, इस जगह पी ई टू हो जाएगी, तो ये बनेगा आपका इक्विलिब्रियम एग्रीगेट सप्लाई में, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है। तो एक्चुअली में लास्ट में हम ऐसे भी ले सकते हैं इस प्रकार, 10 इन द मीडियम रन, मीडियम रन आउटपुट रिटर्न्स टू द नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है,
शॉर्ट रन में ऐसा सीन नहीं हुआ। शॉर्ट रन में क्या हुआ, शॉर्ट रन में कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इनमें आपस में कम ज्यादा बराबर। मीडियम रन में ये रिटर्न होके ये इक्विलिब्रियम पे लाएगा ही, इन दोनों को इक्वल करेगा, इधर इसको इक्वल करेगा। इस वजह से एग्रीगेट सप्लाई में क्या होता जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ मूवमेंट होगा। ये देखो ऊपर की ओर रिड्यूस होता जा रहा है एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, ये इसमें सिर्फ मूवमेंट होगा, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई में क्या हो जाएगा, शिफ्ट होता जाएगा। तो इसी को हम इक्विलिब्रियम मीडियम रन बोलेंगे, ठीक है। अब इसको आप स्टेप वन स्टेप टू करके लिख सकते हो कि हम पहले एग्रीगेट सप्लाई वन से एग्रीगेट सप्लाई टू की ओर जाते हैं, फिर एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट सप्लाई थ्री की ओर जाते हैं, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसे लिख के आना है तुम्हें, मैंने डायरेक्ट जो मेन चीज़ है, जो समझने की चीज़ है वो बता दिया है यहाँ पे, बाकी तुम लिख सकते हो, इतने समझदार हो, ठीक है। ये मीडियम रन का है आपका, ठीक है, मीडियम रन का है, ये वाला आपका शॉर्ट रन का है, ठीक है, ये क्या है आपका शॉर्ट रन का है, इसमें कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना, ये ठीक है, कई लोग उल्टा सीधा कर देते हैं इसमें, तो ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और क्या है इसमें बाकी, ऊपर देखो क्या क्या है, ठीक है। ये एग्रीगेट डिमांड का डेरिवेशन मैं पहले सारे लेक्चर 7 में करा दिया है, तो ये देख लेना वहाँ पे, यदि यहाँ समझ में ना आया हो, ये भी चीज़ बहुत क्लियर है। तो यदि समझ में ना आई तो तुम कमेंट डाल देना, मैं पक्का फिर से वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये बहुत सिंपल है इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड है नहीं इसमें, ठीक है। ये चीज़ क्लियर कर लेना कि मेन चीज़ें ये मोटा मोटा इन पे असर पड़ेगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट ये चीज़ लिख ली है, ठीक है, बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट होंगी, इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ऐसा यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्राइस लेवल है इसका क्या है, ये चीज़ मेन चीज़ ये समझ लेना, इसका रिलेशन, ठीक है। मोटा मोटा ये कंप्लीट हो गया आपका, एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, और आपका डिटरमिनेशन इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में हो गया, ठीक है। आज इतना कंप्लीट करा दिया, अब इतना बचा हुआ अगले लेक्चर में करा दूंगा, साथ में पी वाई क्यूज उठा लूंगा, टाइम बचा दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आपने यहाँ तक मुझे झेला, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।